भगवान श्री कृष्ण ध्यान दीजिए भाई, एक अद्भुत अट्टी नजारो है। भगवान कृष्ण रुक्मणी हथ व्याप करियो, जन भी वैद्य होटल स्थित थी और भगवान कृष्ण 16,000 रानी और साथी व्याप करियो, जन भी वैद्य बात थी। अट्टे हैं जोने जोने था मोड़िया कोई हैज को नहीं, मतलब सूर्य छोर और पक्ष वाला कोई हते ही छोरी और पक्ष वाला क्यों रुक्मणी रही हरण करने ले गया तो छोरी और पक्षरा कोई था भी नहीं है जोनी जोनी था ने होड़ा हजार राजकुमार के साथ भी पानी ग्रहण करी तो होटल की आज कंडीशन थी अनुवास ने जो अपन ब्याह रे माने जो ब्याह बेवाया ब्याहियों बेवाई रहे ब्याहियों रे गीत गावे नहीं बटे कोई गीत नहीं गाया था। भगवान कृष्ण अपनी योग शक्तियों जब व्याव रचे तो पूरी द्वारका नगरी मानो स्वर्ग लोग कहो चाहे ब्रह्म लोग कहो उनसे बड़ी सुंदर द्वारका नगरी सजाई और जो भगवान जी ने हाथे पानी ग्रहण कर लिया था रुक्मणी हाथे करियो जिन टाइम भी रुक्मणी भी एक ही मन ही मन में गीत गा रही थी गुनगुना रही थी श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी और ये 16,000 राजकुमारियां भी केवल एक ही नाम के श्री कृष्ण जैसा कोई दयालु नहीं इसलिए सभी बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वसुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वसुदेवा Yeah.
सुन लो रुक्मणी जो गया हो तो रुक्मणी के घर से उठे पद्युमन रो जन्म हो। ध्यान दीजिए भगवान कृष्ण जब कामदेव ने भगवान शंकर जब बलवशम करियो तो कृष्ण भगवान क्योंकि परमात्मा श्री हरि कृष्ण रूप में होते तो उनके आश्रय से शायद से तुम शरीर को प्राप्त होंगे। तो कामदेव ही रुक्मणी के गर्भ से पद्युमन के रूप में जन्म। इधर संबर आसुर जो है वो सुतिका ग्रह में जाकर के उस कृष्ण भगवान के पुत्र जो रुक्मणी का पुत्र है पद्युमन उनको उस नवजात शिशु को उसने चुरा लिया और लाकर के उसने जल के अंदर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र के अंदर मछली ने उसको निगल दिया। मच्छर ने उस मछली को पकड़ा और वो संबर आसुर के रसोई में वह मछली चली गई। संबर आसुर के रसोई के अंदर जो भोजन बना रहा था उस मछली को कुल्हाड़ी से काटा तो पेट से वो बालक निकला दिव्य बालक। उस बालक को उनकी वह मायावती करके जो भोजन पका रही थी वो उस बालक का पालन पोषण करने लगी पुत्र की तरह। इधर नारद जी महाराज गए और जाकर के उस मायावती को जो कामदेव की पत्नी रहती थी उसको कहा कि ये तेरा पति ही है जो कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लिया। वह पहले तो उनको पुत्र की तरह पालन करती जब युवा अवस्था प्राप्त करता है उस समय उनका आव भाव कुछ अलग रहता है। तब वहां पर पद्युमन पूछता कि आज आपके आव भाव इस तरह से दिल कैसे। तो वहां पर उस समय याद है ना मायावती कहते हैं कि भगवान आप भी मेरे पति हैं। तो वहां पर ये मायावती पद्युमन को महामाया का विद्या का बोध कराती है और उस महामाया विद्या के सारे वहां पर पद्युमन उस संबर असुर का वध करके और अपनी पत्नी जो है महामाया को रति उसको लेकर के वापस कृष्ण के पास द्वारा जो कृष्ण के रुक्मणी के पति का पुत्र था पद्युमन जो उनके चुराने पर जो उनको दुख था अब वापस इधर द्वार नारद जी महाराज आते हैं। नारद जी महाराज सारी बात बताते हैं और वहां पर रुक्मणी अपने पुत्र को अपनी पुत्र वधु के साथ पाकर के बड़ी प्रशंसित होती है। इस तरह का प्रसंग श्री सुखदेव जी महाराज कृष्ण को बताया। इनके बाद में यहाँ पर ध्यान देना भाई भगवान कृष्ण और रुक्मणी के बीच में एक संवाद होता है पति और पत्नी के बीच में जो परिहासीमय जो वाणी होती है उस प्रसंग होता। एक दिन भगवान कृष्ण भोजन कर रहे थे। भगवान कृष्ण के भोजन के लिए पाटला लगा हुआ और रुक्मणी वहां पर पवन दे रही है भगवान भोजन कर रहे हैं तो भगवान को थोड़ी हंसी आ गई। हंसी रुक्मणी ने कहा भगवान आप क्यों हंसे। रुक्मणी ने पहले तो अपने तरफ देखा सब ठीक ठाक के वस्त्र आदि तो भगवान से कहा भगवान आप क्यों हंसे। तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं रुक्मणी यूं हंसी आ गई कि नहीं नहीं भगवान बताना पड़े कि रुक्मणी मने एक बात हाल तक हमन में नहीं आई कौन के इन कारण हंसी आई कि तू मने पति रूप में क्यों ग्रहण कर। देख एक तो मारे बारे में लोग कोई कोई बात करे तने खबर ही है। दूसरी बात मैं कोई किनी राज्य अधिकारी भी कोनी। मैं जरासंध आदि शिशुपाल आदि हूं भयभीत रही मथुरा छोड़ने अटे द्वारका में समुद्र बीच में खारा पानी के बीच माने अटे बैठा। मैं किनी राज्य अधिकारी भी रही तू मने क्यों वर्ण करियो आ बात मन हाल तक समझ नहीं आई। तो उठे हे रुक्मणी देखो भगवान कृष्ण वटे इन तरह बात के लिए रुक्मणी उठे पवन चौरु सेवा कर रही। चौरु सेवा करते समय रुक्मणी भगवान कृष्ण कह के हे रुक्मणी मने बात समझ नहीं है कि तुम वर्ण क्यों करो। हम कोई अनवैसे तेरा वाकदान तेरे भाई ने तेरे पिता ने शिशुपाल के साथ में वागदान भी कर दिया था। राजा वे संपन्न भी थे उनकी तुलना में हम कहाँ ना जाने तुमने क्यों मेरा वरण किया। हम तो जरासंध के डर से समुद्र में आकर के नगरी बसाई। भगवान कृष्ण इस तरह से कह रहे थे रुक्मणी क्योंकि आज कोई रे ठाकुर जी ने
आज कृष्ण भगवान को ये ऐसी बात की, इतने में बातें करते करते क्योंकि हे रुक्मणी लागे के जो सन्यासी महात्मा भिक्षु कहने कोई आने मारे बारे में थारे मुंडा की कोई प्रशंसा कर ली इस वास्ते तुम मने पति रूप में वरण कर दियो। हे रुक्मणी हाल भी कोई मोड़ो कोनी लियो, हाल भी कोई देरी कोनी ली है, तू चावे तो अपने अनुकूल शिशुपाल है इस सालों आदि राजा है इसको तू पति रूप में चुन सकती है, इसमें मेरा कोई विरोध नहीं। जो ही भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा और रुक्मणी एकदम उनको विचित हो गई, राम को जो नीचे गिर गई, जो नीचे गिर के भगवान कृष्ण देखो रुक्मणी मूर्छित हो गई। भगवान कृष्ण अपने हाथों से रुक्मणी को उठाया और पिलम पर लिया और उनके केस आदि ठीक किया और पानी आदि छिटक करके उनकी मूर्छा को उनको तोड़ा। जब मूर्छा को तोड़ा तो भगवान कृष्ण ने कहा अरे रुक्मणी मैं तो केवल दिन भर राज कार्य में व्यस्त रह जाता हूँ और थोड़े समय के लिए मैं तेरे पास में आता हूँ और मैंने तो केवल अपनी पत्नी समझ करके अर्धांगिनी जान करके मैंने तो परिहास में वाणी तेरे से सुनने के लिए मैंने ये हंसी की। जब रुक्मणी ने समझा कि भगवान केवल हंसी की है तब जाकर के रुक्मणी को वहां पर थोड़ी संतुष्टि हुई और रुक्मणी ने हाथ जोड़ करके कहा कृष्ण को कि हे कृष्ण आज तो आपने इस तरह का परिहास किया परंतु तो आप आगे ऐसा कभी परिहास करना मत, यदि आपने ऐसा प्रयास किया तो ये रुक्मणी जीवित नहीं रह पाएगी। भगवान कृष्ण और रुक्मणी का एक जो प्रयास में प्रसंग है उसको सुखदेव जी महाराज ने यहाँ पर बताया। इनके बाद में सुखदेव जी महाराज देवतीराज बलि उनके 100 पुत्र थे, उनकी एक पुत्री थी उषा, उषा का विवाह भगवान श्री कृष्ण का जो पोता है अनिरुद्ध उनके साथ में ब्याह होता है। उषा शकुन के अंदर भगवान उषा जो है भगवान कृष्ण के पोते को अनिरुद्ध को शकुन के अंदर उस पुरुष को देखा, कृष्ण के समान ही उनका स्वरूप था, रूप सौंदर्य का। जब उसने शकुन के अंदर देखा तो शकुन में देखते ही उसने पति के रूप में उसको वरण किया उनको मोह दिया। तो उषा ने उनकी एक सहेली थी चित्ररेखा, वो बड़ी योगिनी थी, उस योगिनी के सामने उसने सारी बात बताई कि हे चित्ररेखा ऐसी ऐसी बात है मैंने उसको पति रूप में वरण किया तुम उन पुरुष को लेकर आ। तो वो चित्ररेखा कहती है कि भाई मैं उनको कहां से लाऊं, तुमने स्वप्न के अंदर उस पुरुष को देखा। तो वहां पर चित्ररेखा ने अपनी योग शक्ति से पहले सूर्य वंश का सारे चित्र बनाए, उसमें कोई नहीं मिला, फिर चंद्रवंश के चित्र बनाया और जो कृष्ण भगवान का चित्र आया तो वो कहती हैं उषा कि ये तो नहीं परंतु इनका जैसा के जैसा है। फिर कृष्ण के बाद में जो अनिरुद्ध का वहां पर चित्र आया और वो लज्जा से एक स्त्री का सहज स्वभाव होता है लज्जा, वो लज्जा भाव से भर गई और उसने कहा कि हे चित्रिका यही पुरुष है जो मैंने स्वप्न के अंदर देखा। तो ये चित्रिका अपनी योग शक्ति से सीधी द्वारका गई और जो महलों के अंदर सोया हुआ था अनिरुद्ध उनको वहां से सोए हुए को उठा करके दैत्यराज बलि के महल में उषा के महल में लेकर आए। उषा अपने स्वप्न के अंदर जिन पुरुष को देखा अनिरुद्ध को वहां पर उनको साथ में महल में रहने लगी। फिर वहां पर जो सैनिक थे पहरेदार थे उनको पता चल गया कि उषा के महल में हो ना हो कोई ना कोई पुरुष है, उनको थोड़ी भनक लगी और उषा के महल की इतनी सुरक्षा कड़ी थी कि कोई पक्षी भी पर नहीं मार सकता, परंतु पहरेदार को जब आभास हुआ तो जाकर के बाणासुर को कहा कि राजन लगता है कि आपकी पुत्री उषा है उनके महल में कोई ना कोई पुरुष का वास है। वहां पर बाणासुर सेना लेकर के अस्त्र शस्त्रों के साथ आए और वहां पर अनिरुद्ध को उषा के साथ में देखा, वहां पर बड़ा भयंकर युद्ध होता है और उस युद्ध के अंदर उस अनिरुद्ध को वहां पर उनको बंदी बना देते हैं। जब कृष्ण वहां पर अनिरुद्ध को ढूंढते कोई पता नहीं चलता, वहां पर नारद जी महाराज जाकर के कहते हैं कि वहां बाणासुर के नगरी के अंदर बंद है। तो वहां कृष्ण भगवान
अपनी सेना लेकर आते हैं। इधर बाणासुर को भगवान शंकर का वरदान दिया हुआ कि उनकी सुरक्षा का, तो कृष्ण भगवान की नारायणी सेना और शंकर भगवान के बीच में वहां पर बड़ा भयंकर युद्ध होता है। शंकर भगवान भी अपने गणेश है, श्रृंगी है, भृंगी है, वीरभद्र आदि पूरी भूत प्रेत पूरी सेना के साथ में कृष्ण की सेना के साथ में युद्ध कर रहे हैं। अब जीत तो पाना मुश्किल है। कृष्ण भगवान ने शंकर भगवान को कहा कि भगवान आप बीच में नहीं आवे। शंकर भगवान कहते हैं कि कृष्ण मैंने वचन दे रखा है बाणासुर को, इसने तप तपस्या से मेरा वरदान पाया है, इनकी सुरक्षा का वचन दिया है, तो ठीक है आप अपना धर्म निभाइए, मैं मेरा काम करूंगा। वहां पर भगवान कृष्ण मोहनी विद्या से शंकर भगवान को स्थापित किया और वहां पर बाणासुर के जितनी 1000 भुजाएं थी उनकी सारी भुजाओं को उन्होंने काट दी, केवल 4 भुजा रही। जब उनको मारने लगे तो शंकर भगवान जी इतने में मूर्छा टूट गई उससे, और शंकर भगवान आए और कहा कि हे कृष्ण आप इनको मारे मत, इनको वचन दे रखा है। और कृष्ण भगवान ने कहते कि हे शंभु मैं इन बाणासुर को नहीं मारूंगा क्योंकि मैंने वचन दे रखा कि तुम्हारे वंश को मैं किसी का वध नहीं करूंगा। प्रहलाद का उसको नहीं मारा, बलि देते राज बलि भी था उनका वंशज है। हाँ ठीक है इनको, इधर शंकर भगवान ने बाणासुर को समझाया कि तू अपनी बेटी का विवाह अनिरुद्ध के साथ में करे। शंकर भगवान के कहने पर उसने बड़ी धूमधाम से कृष्ण भगवान का जो पोता है अनिरुद्ध के साथ में उषा का विवाह किया। भगवान कृष्ण अपने पोते के पुत्र वधु उषा को लेकर के वे वापस द्वारका जाते हैं। इनके बाद में बलराम जी व्रज के अंदर जाते हैं। उनके बाद में पौंडर्क और काशीराज के प्रसंग आता है। यहाँ इनके बाद में कौरों पर बलराम जी का कोप और शाम का गया। ध्यान देना, दुर्योधन की पुत्री थी लक्ष्मणा, स्वयंवर के अंदर इनका हरण किया, तो वहां पर कौरव उनको लक्ष्मणा शाम को वहां पर बंदी बनाया, तो वहां पर दोनों के बीच में द्वारका की सेना और कौरवों की सेना के बीच युद्ध होता है। तो समझाते हैं पंत कौरव कहते कि द्वारका वासियों को हमने ही राज चिन्ह दिया और वही हमारे साथ में इस तरह से, तो बलराम जी कुपित होकर के पूरी हस्तिनापुर नगरी को अपने हल्की नौक से गंगा जी में डुबान लगते। तब वे आकर के क्षमा मांगते हैं और वहां पर दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का विवाह शाम के साथ में करते हैं। इस तरह का प्रसंग सुखदेव जी महाराज यहाँ पर बताते हैं जो बलराम जी का कौरवों के ऊपर उस प्रसंग को। इनके बाद में यहाँ पर भगवान का जरासंध का पांडवों के राष्ट्रीय यज्ञ का आयोजन होता है, उसमें जरासंध का उद्धार करते हैं और उसी जरासंध के कारागर से बंदी राजाओं को विदा करके भगवान इंद्रप्रस्थ प्रस्थान करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के यहाँ पर, धर्मराज युधिष्ठिर कि यहाँ पर जब भगवान पहुंचते हैं राष्ट्रीय यज्ञ में, तो वहां पर सबसे पहले पूजा का प्रसंग आता है, तो सब ओर से एक ही ध्वनि से स्वीकार होता है कि कृष्ण भगवान की अग्रजा पूजा हुई। परंतु शिशुपाल वहां पर श्री कृष्ण का विरोध करता है, नहीं बोले जैसे जैसे शब्द बोलता है। वहां पर जब 100 गाड़ी से ज्यादा होती है, भगवान कृष्ण वहां पर शिशुपाल का मस्तिष्क काटते हैं। और वो एक प्रश्न जो पीछे देखा था, जब भगवान कृष्ण शिशुपाल का वध करते हैं सुदर्शन चक्र से, तो एक ज्योत निकलती है और कृष्ण के चरणों के अंदर मिल जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर नारद जी महाराज से कहते हैं कि शिशुपाल तो भगवान से विरोध करता था, इनकी ज्योति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कैसे भी मिल गई। तो वहां पर नारद जी महाराज कहते हैं कि हे राजन,
चाहे किसी भी भाव से वो स्मरण किया, परंतु किया उसने कृष्ण का ही चिंतन, इसलिए वो कृष्ण के अंदर ही वो उनकी ज्योति मिल गई। यहाँ पर इनके बाद में यहाँ पर सारो के साथ में यादों का युद्ध के प्रसंग बताते हैं। शालों का उद्धार, इनके बाद में यहाँ पर ध्यान देना भाई, श्रीमद् भागवत के अंदर सुदामा चरित्र आता है और भी बहुत सारे प्रसंग है, परंतु तो सुदामा चरित्र एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण का ये सुदामा गुरु सखा था, संदीपनी आश्रम में उज्जैन के अंदर ये साथ साथ अध्ययन किया था। भगवान कृष्ण और सुदामा की अच्छी मित्रता थी, अच्छी अपनी दोस्ती थी। सुदामा और कृष्ण एक दिन गुरु माता ने उनको वन के अंदर संविदा लाने के लिए भेजा था, लकड़ी लाने के लिए भेजा था, साथ में भोजन के लिए वहां पर चावल की पोटली दी थी। सुदामा और कृष्ण दोनों गए, जोग संजोग से जिस वन में गए उसी वन के अंदर तेज तूफान आया, बरसात होने लगी, हाथ तो हाथ कोई आंधी तूफान में नजर नहीं आ रहे थे, बरसात बड़ी मुसलधार थी। कृष्ण एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और सुदामा दूसरे वृक्ष पर चढ़ गए। जो भोजन गुरु माता ने दिया था चावल की पोटली का, वो भोजन सुदामा के पास में हो गया और सुदामा को इतनी भूख लगी कि उस भूख को सहन नहीं कर पाया और उस बरसात के अंदर कोई एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे तूफान में, सुदामा एक एक दाना करके सारा भोजन की पोटली थी उसने पा ली। जब तूफान शांत हुआ, कृष्ण भी वृक्ष से नीचे उतरे, सुदामा भी नीचे उतरे। कृष्ण ने कहा, अरे सुदामा, जो गुरु माता ने भोजन दिया वो भोजन कहाँ है, मुझे भोजन दीजिए, भूख लगी। तो सुदामा कहता है, कृष्ण मैंने इतनी भूख लगी कि मैं भूख को सहन नहीं कर पाया और सारे वो चने की चने मैंने खा लिए। कृष्ण कहते कि हे सुदामा, मेरे हिस्सा का जो तुमने चना खा लिया, दारिद्र के दारिद्र रहेगा। वहां पर कृष्ण भगवान ने उनको वहां दारिद्रता का ऐसा श्राप दे दिया था। कृष्ण आए वापस, तो कृष्ण क्या ये सुदामा, ध्यान देना भाई, ये सुदामा बड़ा भक्त था, कृष्ण के साथ में मित्रता थी। यहाँ पर कृष्ण भगवान की श्री हरि की एक नीति है, इस बात को बुरा मत मानना। कृष्ण भगवान किसी के ऊपर कृपा करते हैं श्री हरि, तो सबसे पहले उनकी संपत्ति का हरण करते हैं, क्योंकि उससे मोह ममता उनकी छूट जाती है, भगवान उनकी सारी संपत्ति। इसलिए भगवान कृष्ण ने उनका मित्रता और मित्र को अपने परमात्मा की भक्ति में, अपनी भक्ति के अंदर उनका चित्त को 24 o'clock सततम लगाने के लिए वहां पर उनकी सारी इस तरह से श्राप के रूप में उनको दिया। सुदामा कोई कम नहीं था, गरीबी थी, फिर भी तन में गरीबी थी, मन में फकीरी थी, परंतु दिल के अंदर दया भाव सुदामा की घर की ये स्थिति, ये पोरबंदर ही उनकी नगरी है, द्वारका से कोई ज्यादा दूर नहीं। सुदामा एक ब्राह्मण था, विद्वान ब्राह्मण था, गुणवान था, भगवान का परम भक्त था। इनकी पत्नी का नाम सुशीला था। कभी किसी के घर मांगने को नहीं जाता था, जो वहां आकर के जो घर में सहज रूप से जो मिल जाता आकर के कोई दे देता सीधा साधा भोजन, तो उस भोजन को ही वो पाता था। कभी मांगने की तो उसने अपने जीवन में पण ले लिया था कि मैं कहीं किसी के ऊपर घर पर जाकर के नहीं मांगूंगा, जो यहां पर घर पर कुटिया में आकर के दे देंगे उसी को हम पाएंगे। घास फूस की झोपड़ी है और हमेशा भगवान की भक्ति के अंदर अपने आप को दोनों बधाए। उनकी पत्नी भी वैसी की वैसी थी, जितना भगवान के अंदर सुदामा की श्रद्धा है, आस्था है, समर्पण है, वैसी की वैसी उनकी पत्नी सुशीला भी। उसने कभी अपने पति को ये नहीं कहा कि हे पतिदेव, आप इतने बड़े विद्वान हैं, कहीं जाइए पूजा पाठ के लिए, यज्ञ अनुष्ठान के लिए जाइए, वहां पर दान दक्षिणा धन आदि मिलेगा जिनसे अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण होगा, परंतु कभी नहीं दिया।
कभी आग्रह नहीं किया, परंतु सुदामा ने भी प्रण किया कि मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगा, मैं मेरे ठाकुर जी की सेवा करूंगा, पूजा करूंगा, उनका ध्यान करूंगा। कई कई दिन तो भूखी भी नहीं जाती थी, शाम को मिलता तो सुबह दूसरे दिन तीसरे दिन सुबह जाकर के कोई भिक्षा के लिए कोई व्यवस्था होती थी, कोई ला करके सीधा आदि आदि दे देते थे भात आदि। वहां पर उनके तन में गरीबी, मन में फकीरी, दया भाव रख जे हेली मारी निर्भय। तन में गरीबी, मन में फकीरी, दया भाव रख जे हेली मारी निर्भय। जाई पत्र ही हो ये मारी नीरे में।